आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो मुझे लगता है कि ये आसमान पर थूकने जैसी बात है। इसलिए भगवान ने भी सोचा जिन पापियों के लिए आने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। केदारनाथ में आई आपदा के चलते कांग्रेस ने अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित कर दी है। यात्रा सोनप्रयाग तक पहुंची थी, इसी बीच बीते दिनों केदारनाथ पैदल मार्ग में बादल फटे और भयंकर तबाही मच गई। लेकिन कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा स्थगित होने के बाद सत्ताधारी दल भाजपा ने तंज कसना शुरू कर दिया है और भाजपा प्रवक्ता विनोद स्वयाल का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। स्वयाल के मुताबिक केदारनाथ आपदा इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस पापी है और भगवान उन्हें केदारनाथ नहीं आने देना चाहते थे। सुनिए क्या बोले विनोद स्वयाल। निश्चित रूप से कांग्रेस यात्रा पर नहीं, सैर सपाटे पर निकली थी, बड़े बड़े होटलों में और स्विमिंग पूलों में स्नान कर रही थी, आनंद ले रहे थे उनके नेता यात्रा के नाम पर, और नाम केवल भगवान का ले रहे थे। भगवान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर पहले से ही है, भगवान केदारनाथ जी की ज्योतिर्लिंग है। तो कांग्रेस पार्टी जैसे लोग उसकी प्रतिष्ठा बचाने जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आसमान पर थूकने जैसी बात है। इसलिए भगवान ने भी सोचा इन पापियों के लिए आने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। विनोद स्वयाल का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने न केवल आपदा के लिए एक तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता यात्रा के बहाने सैर सपाटा कर रहे थे। मगर भाजपा नेता ये भूल गए कि केदारनाथ आपदा में अब तक 7 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, 5 लोग लापता हैं, ये सरकारी आंकड़ा है, हजारों लोग अभी भी वहाँ फंसे हैं, भला उनकी परेशानी का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट जय भारत टीवी।